सर नाश्ते में अभी आलू भी साथ देते हैं, चने भी साथ देते हैं, साल चने भी देते हैं सुबह सर। अच्छा, पहले नहीं था। कुछ पेड़ा शेड़ा भी देता नहीं सर? दाचर माचर नहीं सर, ऐसा काम भी नहीं करते। तुझे करो फिर? नहीं सर, करते नहीं है। अच्छा, कोई तंग वगैरह तो नहीं करते? नहीं सर। मुलाकात वगैरह आंदी है? बिल्कुल आंदी है सर। पैसे पैसे लेते हैं? नहीं सर। अजय भी टाइम है बोल लो। बिल्कुल नहीं लेते। अभी तेरे को पॉलिश होते रहने ना सर जी। कोई नहीं लेते? हाँ, नहीं कोई लेते? नहीं लेते। अल्लाह के वली है सारे। बिल्कुल सर, मैं रिश्ते हो तो हल्दिया कहना सर। चल तेरी गल मान लेना। अच्छा, सिंगल मेडिकल ऑफिसर दो हैं, इंचार्ज कौन है सर? डॉक्टर बहराज साहब है वो। ये सर वैसे स्पेशलिस्ट हैं आर्थो के ना, तो बड़े जबरदस्त दूसरे जो है वो हमारे फिजिशियन है, वो भी स्पेशलिस्ट हो गए सर। मैंने एक पॉलिसी दी थी संबोधा की जेल के विजिट में कि कोई भी कैदी जितना मर्जी घटिया तरीन जुर्म में आया हो और जेल के अंदर जितना मर्जी उसका घटिया तरीन बिहेवियर भी हो, अगर वो बीमारी की हालत में अस्पताल आता है, डिस्पेंसरी आता है, तो उसका वीवीआईपी तरीके से वहां पे उसके साथ बिहेवियर भी होगा, उसको इंटरटेन किया जाएगा। अंकल अल्लस के वहां से निकल के वापिस अपने बैरक पर चला जाता है। तो ये बात जेल में रख ले, मैं हर जेल के विजिट पे ये कहता हूँ। ठीक है, इस पे कोई कंप्रोमाइज के साथ कोई भी हो, जितना मर्जी जुर्म हो उसका, गंदा जुर्म, बिल्कुल जितना मर्जी उसका गंदा एटीट्यूड और बिहेवियर हो जेल के अंदर, बीमार हो गया ना, बिल्कुल लाचारी की आदत में जब इधर आएगा, इधर उसको वीवीआईपी प्रॉपर
ठीक है, दवाई देख के काफी घर में जाने के बाद आगे फिर ये जाने